दोस्तों, अगर आपके पास में एक अमेजन फायर स्टिक है तो आपने रिमोट में देखा होगा एक लाइव टीवी का एक आइकन होता है। जैसे इसको प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये गाइड खुल जाती है लाइव टीवी की। तो आप डिफरेंट आपके लाइव टीवी चैनल्स यहाँ आपको शो हो जाएंगे और सीधे प्ले कर सकते हैं। आप देख सकते हैं चैनल जैसे प्ले किया तो सीधे प्ले हो गया। आपको एप्लीकेशन जाने की जरूरत नहीं है, सीधे यहाँ से बटन से प्रेस करके इसको चैनल्स को आप प्ले कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप? मेरा नाम है तेज और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यू टेक वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप अमेजन फायर स्टिक के लाइव टीवी चैनल्स देख सकते हैं। और इसके लिए एप्लीकेशन में आपको जाने की जरूरत नहीं, सीधे आप रिमोट से जो लाइव टीवी का एक आइकन है इसको प्रेस करेंगे और ये गाइड खुल जाएगी और सीधे आप लाइव टीवी चैनल्स डायरेक्ट रिमोट से आप वॉच कर सकते हैं। आप में से कई यूजर्स और सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट आई थी कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाए, तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे लाइव टीवी को आप सेटअप कर सकते हैं अपने अमेजन फायर स्टिक में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी डिटेल आगे मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, आप अमेजन फायर स्टिक में अगर रिमोट से होम बटन प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे लाइव टीवी का एक ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं डिफरेंट जो एप्लीकेशन है जो सपोर्ट करती है लाइव टीवी अमेजन फायर स्टिक में, वो आपको यहाँ शो हो जाएंगी। सोनी लिव है, आपकी G5 है, डिस्कवरी प्लस है, सन नेक्स्ट है, यूप टीवी है, इसके बाद ये किड्स फर्स्ट है और नेक्स्ट G TV। तो ये कुछ एप्लीकेशन है जो कि आप गाइड से सीधे वॉच कर सकते हैं अपने रिमोट में लाइव टीवी का जब आइकन प्रेस करेंगे। दोस्तों, जो सोनी लिव है अब इसमें लाइव टीवी चैनल्स बंद हो गए, लेकिन ये अभी भी यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन G5 में और आपका यूप टीवी में और डिस्कवरी प्लस में आप लाइव टीवी चैनल्स देख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे G5 में मैं आपको शो करके बता रहा हूँ और एक यूप टीवी शो करके बता रहा हूँ, तो मैं इनको इंस्टॉल करूँगा ऐप को और उसमें लॉग इन करूँगा अपने यूज़र आई डी से। दोस्तों, G5 ऐप मेरी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है, इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से। जैसे ओपन करते हैं दोस्तों, आप अपने यूज़र आईडी से मुझे इसमें लॉगिन करना पड़ेगा, तो मोबाइल नंबर से मैं लॉगिन कर लेता हूँ इसमें। दोस्तों, G5 ऐप में मेरा लॉगिन हो गया है और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ प्रोफाइल को भी, तो मैं ओपन करके रख लिया यहाँ पे। अब दोस्तों, एक और एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं, यूप टीवी ऐप है, इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। दोस्तों, यूप टीवी आपकी इंस्टॉल हो गई, इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से। दोस्तों, आपकी ये दो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी हैं जो लाइव टीवी को सपोर्ट करती है। अब आपको क्या करना है, होम बटन प्रेस करना है रिमोट का। अब आपको जाना है सेटिंग्स में, तो सेटिंग्स में जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा आपको लाइव टीवी का, इसको ओपन करते हैं यहाँ से। मैनेज चैनल से एक ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों एप्लीकेशन जो सपोर्ट करती हैं लाइव टीवी यहाँ पे शो हो रही हैं। ये आपकी यहाँ पे आप देख सकते हैं अवेलेबल हैं। अब बैक करते हैं, इसमें एक ऑप्शन आप देख सकते हैं सिंक सोर्सेस, तो इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ से। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से G5 को सेलेक्ट करेंगे और इसको सिंक करना है आपको। तो जो भी चैनल होंगे आपकी जो गाइड होगी उसमें जाके ये सिंक हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, सेम ही प्रोसेस यूप टीवी के लिए भी करना है। तो यूप टीवी के लिए करते हैं वापस से, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूप टीवी सेलेक्टेड है, इसको भी सेलेक्ट करते हैं यहाँ से और सिंक सोर्सेस करते हैं। तो जो भी चैनल होंगे आपके जो लाइव गाइड है, लाइव टीवी के चैनल की गाइड है, उसमें आपके ये इनेबल हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, रिमोट से ये लाइव टीवी का बटन है इसको प्रेस करना है। जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो चैनल अवेलेबल थे लाइव टीवी के लिए G5 में और आपके यूप टीवी में, वो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। तो सीधे यहाँ से आप उनको प्ले कर सकते हैं। तो जैसे ये आपका देख सकते हैं NDTV आ गया यूप टीवी में, यहाँ से प्ले कर सकते हैं इसको, ये आपका प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये लाइव टीवी चैनल प्ले हो गया। आपको अगर दूसरा चैनल सेलेक्ट करना है तो वापस से ये आपका लाइव टीवी की गाइड है, इसको प्रेस करना है रिमोट से। बैक करेंगे तो ये एप्लीकेशन सीधा बाहर हो जाता है। अब जैसे GTV सेलेक्ट करना है मुझे, तो GTV सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, तो आपका GTV प्ले हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये आपका चैनल प्ले हो गया। इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि जैसे हम चैनल को नेक्स्ट और प्रीवियस करना है तो वो इससे काम नहीं करता है ना, तो इसे रिमोट से काम करता है अप एंड डाउन से। आपको वापस से सेलेक्ट करने के लिए यही बटन प्रेस करना पड़ता है लाइव टीवी का, और यहाँ से आप चैनल वापस सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे आपका सैमसंग टीवी में जो सैमसंग टीवी प्लस ऐप है, तो रिमोट से मैं चैनल सेलेक्ट कर सकता हूँ नेक्स्ट और प्रीवियस। इसके अलावा गाइड भी सीधे वहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ऑप्शन है इसमें प्रेस, ये वाला जो बटन है आपका रिमोट में, थ्री लाइंस बनी हुई हैं, तो इसमें कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे और कस्टमाइज के। जैसे इसको प्रेस करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे ऐड फेवरेट चैनल। तो जैसे कोई चैनल आपको फेवरेट में ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। जैसे ये वाला चैनल आपका फेवरेट में ऐड हो गया, वापस से प्रेस करते हैं तो इसमें और ऑप्शन है आप देख सकते हैं ऐड चैनल्स। तो आप सोर्सेस वगैरह ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं G5 अभी एडेड है, आपका यूप टीवी एडेड है, इसके अलावा सन नेक्स्ट, डिस्कवरी प्लस, नेक्स्ट G TV, किड्स फर्स्ट, रेडबुल TV, ये आप ऐड कर सकते हैं। इतने ऑप्शन है इसमें लाइव टीवी चैनल्स के। और दोस्तों, कुछ एप्लीकेशन और बताता हूँ आपको। जैसे आप देख सकते हैं वाचो TV ऐप है ये, तो इसमें लाइव टीवी चैनल्स तो हैं लेकिन उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा गाइड में ऐड करने का। जैसे वाचो TV ऐप को मैं बताता हूँ आपको। आप देख सकते हैं दोस्तों, वाचो TV ऐप है, तो लाइव टीवी चैनल्स तो इसमें भी हैं। DD नेशनल आ रहा है इसमें, इसके अलावा चैनल्स भी होंगे आपके।
आप देख सकते हैं काफ़ी लाइव चैनल्स हैं इसमें, 9XM है, रिपब्लिक भारत है आपका, इंडिया न्यूज है, इंडिया टीवी, नवभारत टाइम्स, तो कई चैनल हैं। लेकिन इसमें आपका जो रिमोट से मैं चेक करते हैं लाइव टीवी गाइड, उसमें ऑप्शन नहीं आता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कैसे आप अमेजन फायर स्टिक का है उसमें लाइव टीवी चैनल्स देख सकते हैं, कैसे इनेबल कर सकते हैं, और दोस्तों कैसे जो लाइव टीवी चैनल्स की गाइड है उसको आप इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है, और दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यहाँ पर आपको ऐसे यूजफुल कंटेंट फ्यूचर में देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।